सिद्धार्थ नेमा और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मिस्टर अकाउंट्स। आज है 26वां वीडियो। इस वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसके पहले वाली वीडियो में हमने कौन सा टॉपिक किया था, अमाउंट ड्यू वाला, और जो पेमेंट के जो मोड्स थे वो मोड्स देखे थे कि किस तरह से रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट किया जाता है। ठीक है, अब पेमेंट सब हो गया। अब ये डिसाइड होगा कि जो न्यू फर्म है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, उनकी जो कैपिटल है वो क्या रहेगी। ठीक है गाइस, तो समझिए हम एक स्टेप और आगे बढ़ गए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कि जो कैपिटल है, कैपिटल किस कैपिटल की बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है न्यू रिकंस्टिट्यूट होने के बाद जो न्यू फर्म बनी, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की जो फर्म बनी, उस कैपिटल की बात हो रही है, उनकी कैपिटल की बात हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं वही वाला, ए बी एंड सी, ये तीन पार्टनर थे। ठीक है, ये जो सी है वो रिटायर हो गया, ये गया कट। ठीक, तो जो ए और बी बचे, ए और बी आर द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। ठीक है, तो जो कैपिटल रहेगी, जो एडजस्ट करेंगे हम कैपिटल, वो कैपिटल किनकी होगी, ए और बी की होगी, मतलब न्यू फर्म की होगी। ठीक है, रिकंस्टिट्यूट होने के बाद वाली। ठीक, अब होता यह है कि ए और बी की जो कैपिटल है उसको कैसे एडजस्ट करें या फिर कैसे फाइंड करें। स्पेशली फाइंड वर्ड जो है वो पहले उसको हम प्राइमरी मतलब कि उसको प्राथमिकता दें। ठीक है, तो कैसे फाइंड करें क्या कैपिटल होगी इनकी, तो वो चीज वो फाइंड करने के तीन केसेस हैं। ठीक है, तीन तरीकों से कैपिटल को, न्यू फर्म की जो न्यू पार्टनर्स कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की कैपिटल होती है, उसे तीन तरह से एडजस्ट किया जाता है या फिर तीन तरह से फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो जो पहला तरीका है, व्हेन न्यू कैपिटल इज गिवन। ठीक है, ये जो उन तीनों में जो आपको तीन बता रहा हूं मैं, उनमें से जो पहला है वो मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में दूसरा, और उसके नेक्स्ट वीडियो में तीसरा। ठीक, तो जो पहला है वो है व्हेन न्यू कैपिटल इज गिवन, जब न्यू फर्म की मतलब कि कंटिन्यूइंग पार्टनर जो हैं उनकी रिकंस्टिट्यूट होने के बाद जो न्यू फर्म बनी उसकी कैपिटल गिवन हो तब। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि आपको ये दिया रहेगा क्वेश्चन में कि जो कैपिटल है न्यू फर्म की, जो टोटल कैपिटल है वो इतनी है या फिर उतनी है। ठीक है, ये आपको गिवन रहेगा, फिर आपको क्या करना है, उस कैपिटल को बेस मान के जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो वो देखेंगे कि ये सब कैसे किया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं, मेरा पहला दोस्त, मेरा दूसरा दोस्त, तीनों पार्टनर हैं, प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ आपको, तीनों पार्टनर हैं। ठीक है, जो तीसरा वाला है वो रिटायर हो गया। ठीक, अब वो रिटायर हो गया, हमने सब उसको पेमेंट वगैरह सब कर दिए। अब बात ये आती है कि हम दोनों की कैपिटल क्या होगी, जो हम दोनों अब अकेले जो काम करेंगे, हम अपना बिजनेस जो आगे बढ़ाएंगे, उसमें हम दोनों की कैपिटल क्या होगी और कैसे होगी और क्यों होगी। ठीक है, तो वो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, हम दोनों ये करेंगे कि सबसे पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि यार इतनी कैपिटल होनी चाहिए, अब जो हम दोनों बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं तो इतनी कैपिटल हमारी होनी चाहिए। सिमिलरली अब क्वेश्चन आके देखें तो आपको क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि इतनी कैपिटल न्यू फर्म की है। ठीक है, तो ओवरऑल ये समझ में आया इससे, फर्स्ट केस से, कि आपको न्यू कैपिटल गिवन रहेगी, न्यू कैपिटल मतलब न्यू फर्म की कैपिटल। तो अब ये सी तो गया, अब बचे ए एंड बी। ठीक, तो ए एंड बी की मान लीजिए जो कैपिटल होगी वो होगी 30,000। क्वेश्चन में दिया कि जो 30,000 है वो कैपिटल होगी। ठीक, तो अब क्या होगा, जो टोटल कैपिटल दिए है वो तो है 30,000। इसका मतलब ये कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं ए और बी, उनकी कैपिटल इतनी होना है 30,000। ठीक है, अब बात ये आती है कि रिकंस्टिट्यूशन होने के टाइम, ध्यान से सुनिए, रिकंस्टिट्यूशन होने के टाइम इनका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना था उसमें भी इनकी कुछ कैपिटल होगी। ठीक है, तो हम अगर, ध्यान से सुनिए, अब जैसे कि बैलेंस शीट बनती है, ठीक है, जो न्यू बैलेंस शीट बनती है उसमें हम सिर्फ ए और बी की कैपिटल को ही लिखते हैं। ठीक है, तो याद रखिए जो बैलेंस शीट में जिस कैपिटल को लिखने की बात कर रहा हूं ना, वो ये 30,000 होगी, मतलब ए और बी की कैपिटल का जो टोटल होगा वो 30,000 होगा। ठीक, न्यू बैलेंस शीट में। इसलिए आप क्या करिए, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, हमको क्या करना पड़ेगा, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें हमने सारी चीजें जो पार्टनर को मिली, कंटिन्यूइंग पार्टनर को, वो लिखे, और जो उनके पास से गई वो लिखे।
ठीक है। अब आपको इसका बैलेंस बैलेंस क्रेडिट डाउन कैरेट डाउन के नाम से नहीं लिखना है, ठीक है। बैलेंस कैरेट डाउन, इसको आप बैलेंस सीडी बोलते हैं, ठीक है, इसके नाम से नहीं लिखना, ठीक है। पता चल रहा है कि आपने यहाँ पे टोटल किया, इसकी इससे टोटल माइनस किया और जो बैलेंस बचा उसको बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से लिख दिया। नहीं, ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आपने यहाँ बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से लिख दिया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये जो बैलेंस का पैसा था, ये जो पार्टनर का पैसा था, पार्टनर कैपिटल का जो बैलेंस था, वो बैलेंस शीट में चला गया, ठीक है। लेकिन क्या ये पैसा अभी नहीं जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि ये डिसाइड हुआ है कि जो 30,000 है वो न्यू कैपिटल होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये अवॉइड करने के लिए कि हम ये सब ना करें, क्या करना चाहिए वो देखते हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, करना ये चाहिए कि ये जो यहाँ का जो टोटल आ रहा है उसको आप लिखिए पहले, ठीक है, और साइड में रफ से, ठीक, मतलब अकाउंट के अंदर ही काम नहीं करना, अकाउंट से बाहर, ठीक। आपको क्या करना है, इधर का जो टोटल आया उससे इधर का टोटल माइनस करिए, ठीक है, और साइड में जो भी हो एक्स वाई जेड वो लिख दीजिए, ठीक। आपने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, ये क्या लिख दिया, बैलेंस लिख दिया, लेकिन यहां नहीं लिखना आपको वो बैलेंस, ठीक है। वो बैलेंस आपने हल्का सा साइड में रफ करके जो बैलेंस निकला, ठीक, वो यहां लिख दिया, ठीक है। तो ये बाय द चांस जैसे ये बैलेंस निकल गया, मतलब निकल ही गया, ठीक। तो आपको क्या करना है, इस बैलेंस को अभी लिखे रहने दीजिए, जैसे ए का जैसे कुछ है, मान लीजिए जैसे ये ए है, ए एंड बी, जो ए है उसका बैलेंस आ रहा है 20,000 और जो बी है उसका बैलेंस आ रहा है 15,000, ठीक। ये आपने क्या निकाले, जो टोटल करके जो रफ में अकाउंट से बाहर करके जो बैलेंस निकाले वो है ये 20,000 और 15,000, ठीक है। तो ये आपने निकाल लिया, तो अब हमको ये क्या निकाल गया, हमारा पहला स्टेप, ठीक। पहला स्टेप क्या था, कैलकुलेट द प्रेजेंट कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो हमने ओवरऑल क्या कर लिया, हमने प्रेजेंट कैपिटल निकाल ली है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट क्यों, ये सारे एडजस्टमेंट ही तो किए हैं, ये सारे एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल हमने निकाली वो है ये, ठीक। तो दिस इज व्हाट, दिस इज प्रेजेंट कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। सबसे पहले स्टेप कंप्लीट, ठीक। अब आता है दूसरा स्टेप कि प्रोपोर्शनेट द टोटल कैपिटल इन न्यू रेशियो। अब आते हैं मेन 30,000, ये 30,000 जो हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगे उस 30,000 को आप रेशो में तोड़िए, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जो 20,000 हैं वो 30,000 हैं, उसको आप न्यू रेशो में, मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर का जो रेशो है उसमें तोड़िए, ठीक, प्रोपोर्शनेट कीजिए। जैसे मान लीजिए जो न्यू रेशो है ए और बी के बीच जो है 1:1, ठीक। तो ये जो 30,000 हैं वो 15,000 होंगे, ठीक। अब आप इससे क्या समझे, आपको ये समझना चाहिए कि ये जो 30,000 है वो टोटल कैपिटल थी फर्म की, ठीक। और क्या बोल रहा है ये कि जो टोटल कैपिटल है उसको 1:1 में डिवाइड करना है, मतलब 15,000, ठीक। तो ये ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि ये जो 15,000 हैं ये है न्यू कैपिटल, ठीक। ये क्या है, ये न्यू कैपिटल, मतलब जो बैलेंस शीट बनेगी रिकंस्टिट्यूट होने के बाद, जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी फर्म की, उसमें जो कैपिटल नाम से लिखा जाएगा वो 15,15,30,000 लिखा जाएगा, ठीक। 15,000 ए का और 15,000 बी का, तो वो लिखा जाएगा 30,000। अब बात आती है कि अब हम क्या करें, हमारा बैलेंस तो भाई 20,000 और 15,000 निकला था और हमको बैलेंस शीट में तो 15,15 करना है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, ठीक है। समझ में नहीं आया कि अब यहाँ बैलेंस कैरेट डाउन में हम ये लिखें या फिर ये 15,000 लिखें, कंफ्यूज, ठीक। तो इस समय हमको क्या करना है, इस समय हमको कैपिटल को एडजस्ट करना है। अब आता है मेन मुद्दा कि हमको कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो क्या होता है एडजस्ट करना और कैसे एडजस्ट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये यहां पे स्टेप वन वाली चीज लिखिए कि प्रेजेंट कैपिटल कितनी थी, प्रेजेंट कैपिटल, ठीक, प्रेजेंट कैपिटल नहीं, पहले वो लिखिए कि कितनी होनी चाहिए, पहले लिखिए कि ओवरऑल, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए, 15,000 रुपये मेरे पास होने चाहिए, मेरे पास होने चाहिए 15,000 रुपये, ठीक। ये कितनी न्यू न्यू कैपिटल इतनी होनी चाहिए,
और जो प्रेजेंट कैपिटल है वो है 20,000। सिमिलरली यहाँ ये कंडीशन आई है कि ए की जो करंट कैपिटल है, जो प्रेजेंट कैपिटल है वो कितनी है, वो है 20,000, लेकिन होनी कितनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक 15,000 होनी चाहिए। ठीक है, ए का जो हिस्सा था वो 15,000 निकाले ना 1:1 से 30,000 का, तो जो 15,000 है वो ए की न्यू कैपिटल होनी चाहिए जो कि हमको बैलेंस शीट में लिखने का है, लेकिन ये तो 20,000 है करंट कैपिटल, तो क्या करेंगे। अब जरा सोचिए कि मेरे पास होने चाहिए 15,000 रुपए और मेरे पास 20,000 रुपए। अच्छा मान लीजिए मैं पिकनिक में गया हूँ, ठीक है, मेरे घर में मेरे पापा ने बोले कि तू 15,000 रुपए लेके जाएगा और मैंने निकाल लिया वो मतलब थोड़े से 20,000 रुपए निकाल लिया, ठीक है, तो 5,000 रुपए मैंने निकाल लिया और ये बात पापा को पता चल गई, तो पापा वो 5,000 रुपए मुझसे वापस लेंगे। मतलब ये जो 5,000 रुपए ए के पास एक्स्ट्रा हैं वो 5,000 रुपए उसके अकाउंट से डेबिट होंगे, ठीक है, वो बैंक अकाउंट के थ्रू वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल क्या कि ये जो पैसा है कितना 5,000 ज्यादा, वो 5,000 रुपए डेबिट होंगे, कहां से डेबिट होंगे, ए के कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, अब क्या, अब सिंपल कि ये इसका जो बैलेंस आ रहा था, जैसे यहाँ पे टोटल बैलेंस आ रहा था, यहाँ पे हमने जो रफली बैलेंस निकाला वो 20,000 आ रहा था, अब मैं यहाँ पर 5,000 और लिख दूं तो आप ही सोचिए कि वो 5,000 कम नहीं हो जाएगा, माइनस होगा 5,000 तो। ठीक, तो ओवरऑल क्या 15,000, तो हम क्या लिख सकते हैं, अब बैलेंस कैरिड डाउन 15,000 खत्म, तो ये करना है हमें। ठीक, तो ये जो 5,000 है अब वो कहां जाएंगे, वो जाएंगे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो ये जो 5,000 रुपए हैं उसको हम टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट के नाम से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या था हमारा फर्स्ट पॉइंट जो था, फर्स्ट केस व्हेन न्यू कैपिटल इज गिवन। ठीक है, इसका कंक्लूजन आपको बता देता हूं जल्दी से एक बार में, क्योंकि ये शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या था कि कभी कभी क्या होता है, जो पार्टनर जा रहा होता है जब, तो न्यू फर्म बन रही होती है। ठीक है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रहते हैं वो सोचते हैं कि अब हम रिकंसिडर हो रही है फर्म। ठीक, तो जो न्यू फर्म बनती है उसकी कोई ना कोई न्यू कैपिटल तो होगी होगी। ठीक, तो वो न्यू कैपिटल क्या होगी उस पे बेस क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दी रहती है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, न्यू फर्म की कैपिटल टोटल इतनी होनी चाहिए। ठीक, तो अब ये बात ये तो क्वेश्चन में क्या रहता है, तो हमको क्या करना रहता है, हमको आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो प्रेजेंट कैपिटल है वो रफली निकालना पड़ता है साइड में। ठीक है, और जो बोला है कि इतनी कैपिटल, जैसे 30,000 मैंने आपको बताया था, तो इस 30,000 को पहले आप न्यू रेशियो में तोड़िए। ठीक है, न्यू रेशियो में इसको डिवाइड कीजिए पार्टनर्स को, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को, और फिर ये देखिए कि कैपिटल प्रेजेंट कैपिटल कितनी है और होनी कितनी चाहिए, न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए। इसके लिए अलग से कभी कभी हम एक चार्ट बना के डिफिसिट और सरप्लस का इस्तेमाल करते हैं। डिफिसिट मतलब ये कि मेरे पास जैसे मान लीजिए कि 15,000 रुपए होने थे और मेरे पास 10,000 ही रुपए हैं, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द कंडीशन ऑफ डिफिसिट। ठीक है, और अगर जैसे मेरे पास अभी जैसे इसी कंडीशन में देख लीजिए 20,000 रुपए हैं और 15,000 रुपए होने चाहिए थे। ठीक, तो ये हो गई 5,000 ज्यादा सरप्लस वाली कंडीशन, इसमें मतलब मेरे पास से 5,000 रुपए मेरे पापा ने ले लिए। ठीक, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे।